आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। विपक्ष द्वारा लोकसभा न चलने देने के विरोध में बीजेपी नेता रामकर रावत की अगुवाई में एक दिवसीय उपवास व अनशन किया गया। उक्त उपवास में नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि गंगाराम राजपूत, बच्चे वाजपेयी, मनोज त्रिवेदी, मनीष पांडे, अशफाक अली, एडवोकेट ओपी मिश्रा एवं ब्लैक प्रमुख गुड्डू पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं को आज उपवास पर बैठने के लिए निर्देशित किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आज हम सब लोग विधानसभा क्षेत्र सिधौली के अंतर्गत यहां पर धरना पर बैठे हुए हैं। धरना यहां जो आज उपवास पर बैठे हैं, इस पर हम लोगों को ये है कि सदन के अंदर विपक्षी लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, विकास में बाधक है विपक्षी लोग। माननीय मोदी जी ने अपना देश 26वें नंबर पे था, मोदी जी के प्रयास में आज छठा या तीसरे नंबर पे है और विपक्ष ये नहीं चाह रहा है कि विश्व में नंबर एक मोदी का देश अपना बने, इसलिए हम लोग अनशन बैठे हुए हैं कि विश्व में नंबर एक इंडिया गिना जाए। मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत हम इसमें जो है पार्टी में तो ज़्यादा दिन से जुड़े हैं, ये हमने पद ये जिम्मेदारी हमने ली है जिले की, अपने अल्पसंख्यक भाइयों को उनको जो है समझाना है और उनको जो है जागरूक करना है और मोदी जी को 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी जी का उद्देश्य और जो उनका नारा है, विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी दुकानें बंद होती दिख रही हैं, इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा में वो विघ्न डालने का काम भी कर रहे हैं कि गरीबों का उत्थान न होने पावे, इस देश का भला न होने पावे, इस पर वो निरंतर अवरोध पैदा करते हैं। भाई अमित शाह जी के आदेशानुसार जो हम लोग उपवास पर बैठे हैं, जो हमारा यहाँ पैसा गरीबों का है वो सदन में लगता है और सदन को विपक्ष चलने नहीं देता, हमारे कामों को रोकता है, ऐसे लोगों को हम बेनकाब करना चाहते हैं कि जो विपक्ष काम नहीं करने देता और वेतन और भत्ता से लेता है। हमारी पार्टी के जो सांसद राज्यसभा सदस्य हैं वो अपना वेतन और भत्ता जितने सदन नहीं चला है वो छोड़ने के लिए कह दिया है और विपक्ष के सांसदों ने आश्वासन नहीं दिया, उपवास फर्जी उपवास पर बैठते हैं। इस उपवास के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि आवे और वो देश के विकास में सहायक हो।